और छात्रवृत्ति बचाने का एक ही तरीका नजर आ रहा है, और वो है इस केस को जीतना। इस केस को जीतना होगा, हर हाल में जीतना होगा। साहब, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि वो कॉलेज 6-8 महीनों के लिए बंद हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो उस भीमराव की सारी अक्कड़ निकल जाएगी। बिल्कुल सही कहा, भीमराव की पढ़ाई खत्म, तो समझिए वो भीमराव भी खत्म। अरे वाह वाह सर, देखिए ये है प्रचंड देव जी के बाग के यहाँ, बहुत ही मीठे और बहुत ही रसीले हैं। पर यहाँ क्या है कि गर्मी का मौसम मतलब आम का मौसम, इसलिए खाइए और भाभी जी और बच्चों को भी खिलाइएगा। और साहब, ये आम खाते खाते वो कॉलेज बंद करवाने का उपाय भी सोचिएगा। ऑफिस जाकर सोचता है कि कुछ महीनों के लिए कॉलेज को कैसे बंद करवाया जा सकता है। बाबा, हाँ? बहुत प्यास लग रही है, यहाँ आसपास कोई कुआं नहीं है क्या? लक्ष्मी, थोड़ी दूरी पर आगे कुआं है, वहां जाकर पानी पीते हैं। चल। बाला भैया, इसमें कुछ खाने के लिए और पानी है, वहां चलकर बैठकर खा लीजिए, और साथ में चने की सब्जी भी। मैं घर से खाना खाकर निकला हूँ, चल। बाबा, बाला भैया चने की सब्जी इसीलिए लाए होंगे क्योंकि वो आपको पसंद है। बेटा साथ नहीं रह सकता, लेकिन अपने बाप के लिए पसंद की सब्जी बनाकर ला सकता है। अच्छा, नहीं खानी है मुझे। बाबा, मैंने नहीं, आपकी बड़ी बहू ने बनाया है। क्या पाला भैया, आपने शादी कर ली? हाँ। तुमने एक बार भी हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। घर आ सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते कि तुमने शादी कर ली है। बाबा, ये तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूं, इतने दिनों से साथ हूं, आपने कभी पूछा? नहीं ना। आनंद, भीम आपके साथ थे तो आपने उनकी शादी करवा दी, और मेरी शादी उसकी चिंता की? क्या आपने कभी भी ये सोचा कि आपका बड़ा बेटा जिंदा भी है या मर गया? घर छोड़कर कौन गया था, तू या मैं? परिवार छोड़कर कौन गया था, तू या मैं? पापा, आप लोग बहस मत कीजिए ना। और ये तो खुशी की बात है ना कि मेरा लक्ष्मी दीदी को एक जेठानी भी है। खुशी की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा बाला अब बाला नहीं रहा। जो अपने बाप के सुख दुख बांटता था, हंसता था, गाता था, बाजा बजाता था, वो
तुलसा मंजिला को भी बुलाओ। नहीं 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 जगह नहीं है। अरे तो इसे परिवार से भी मतलब नहीं, तुझे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम बहू को तो मतलब रखने देता, उसे तो महसूस करने देता कि उसका भी एक परिवार है, सास ससुर है, देव देवरानी है। लेकिन नहीं, शुरू से तुम्हें जो अच्छा लगा वही तुमने किया, किसी की नहीं मानी। बाबा तुम दोनों ये खा लो, मैं बाबा से बात करता हूँ। भैया ये हमारा हमेशा का, लो तू। धन्यवाद। बाबा सच कहूँ तो हम दोनों एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए, और मुझे लगता है कि हम आगे भी ऐसे ही रहेंगे। जब तुम बाप बन जाओगे तो शायद समझ जाओगे सब कुछ, शायद। मगर मैं अपने बच्चों का बाप आपकी तरह बिल्कुल नहीं बनूंगा। और मैं भी यही चाहूंगा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरह ना हो। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो है, मगर प्यार करना नहीं आता, इसीलिए जब भी मिलता है ना बहस ही करता है। मैं कमिंग सर। आओ। सर मैंने ये फाइल तैयार की है। इस फाइल में मैंने लिखा है कि कैसे ये केस मैं जीत सकता हूं, आप एक बार देख लीजिए। तुम्हें अंदाजा भी है भीमराव इसमें कितना बड़ा रिस्क है? लेकिन सर केस जीतने का इससे बेहतर तरीका भी तो नहीं है मेरे पास। वो तो ठीक है, लेकिन हर चीज जो कागज पे लिखी है वो ऐसे नहीं हुई। तो तुम्हारी छात्रवृत्ति हमेशा के लिए तुमसे छीन जाएगी, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे तुम। मुसीबत में तो फंस गया ही हूँ सर, अब इस मुसीबत से ही बाहर निकलना है, इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ। और आपने कहा था ना बहस में कि भीमराव क्या तुम लिख कर दे सकते हो कि कॉलेज शुरू होने के बाद कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी? मैं आपको लिख कर देता हूं सर, ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। आप बस कॉलेज खोलने की तैयारी कीजिए। एक बार फिर सोच लो भीमराव। तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। भीमराव यहाँ नहीं पढ़ सकता, हम पांच तक गिनते हैं, तब तक इसे यहाँ से बाहर निकालिए, वरना ना ये विद्यालय रहेगा ना यहाँ को पढ़ने लायक रहेगा। गुरुजी छोटी जाति का होकर साइंस पढ़ेगा, हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। हम देखते हैं कि तू यहाँ बंबई में भी कैसे पढ़ता है। आज तक हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ना, कितनी भी मुसीबतें आए बस लड़ते रहना। भाई तेरा भीवा इतना बड़ा जोखिम ले रहा है, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई की इस लड़ाई को जीत सकूं।
सोच लिया सर।